Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. In today's topic, we are going to study the one of the science special topic, which is related to quantity surveying. In our topic is what is bargaining schedule. Okay. So, dear students, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के लेक्चर में हम bargaining schedule के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास civil engineering में bargaining schedule क्या होता है. ठीक है. So, dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो different type of construction work होते हैं इसमें हम स्टील यूज करते हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, उसी स्टील की क्वांटिटी को निकालना या स्टील की वेट को निकालना, इसको हम बारबेंडिंग शेड्यूल कहते हैं. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं इसमें हम या तो स्टील एट द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट बार यूज करते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ क्रैंक बार यूज करते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ विंड अप बार यूज करते हैं. ठीक है. इसके साथ साथ या हम स्टील को ओवरलेप करते हैं, या इसके साथ साथ हम इसी स्टील को इन द फॉर्म ऑफ स्टिरप यूज करते हैं. ठीक है. इसी बारबेंडिंग शेड्यूल को प्रॉपर समझने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने बारबेंडिंग शेड्यूल को निकालना है तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम जो डायमीटर यूज कर रहे हैं इन अ कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में हमें पता हो. सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में हम स्टील बार यूज करते हैं, या तो हम 6 mm की बार यूज करते हैं, या हम ग्रेटर देन 6 mm बार यूज कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको इस टेबल में शो किया गया है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की डायमीटर है जो हम किसी भी स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, बारबेंडिंग शेड्यूल को प्रॉपर समझने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड बार है वो हमारे पास 12 मीटर है, या हमारे पास वो 40 फीट है. ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें बारबेंडिंग शेड्यूल को निकालना है और हमें डायमीटर ऑफ द बार एंड टोटल लेंथ ऑफ द बार मालूम हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास स्लेब में हो, चाहे वो हमारे पास स्टेयर में हो, या हमारे पास कॉलम या फाउंडेशन हो, हमारे पास इसके लिए एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम उस स्टील के लिए टोटल वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. वो फार्मूला क्या है? डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162 है, जिसकी यूनिट एंड टर्म ऑफ केजी पर मीटर है. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि इसी फार्मूले में हमारे पास जो डी है वो डायमीटर ऑफ द बार है. अगर हमारे पास डायमीटर ऑफ द बार मौजूद है और हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ स्टील भी मौजूद है, तो अगर हम इसको इस फार्मूले में फुट करेंगे तो हम इससे जो टोटल वेट ऑफ द स्टील है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने बारबेंडिंग शेड्यूल को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स ऑफ बार होती है, जिसमें स्ट्रेट बार जो हम प्रोवाइड करते हैं टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर, इसकी क्वांटिटी को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं. जो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्लेब है. स्लेब के लिए जो विड्थ है वो हमारे पास 20 फीट है, और इसके लिए जो लेंथ है वो हमारे पास 30 फीट है. ये स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी स्लेब में हमारे पास मेन बार भी है और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी है. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास ये जो है 30 फीट स्पेन, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बार है. ठीक है. जो नंबर 6 बार है और इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो क्या है? 8 inch है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसी डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए टोटल क्वांटिटी को निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर इसी टोटल जो लेंथ है, ठीक है, जिसपे ये डिस्ट्रीब्यूशन बार अरेंज हुई है, वो हमारे पास क्या है? 20 फीट है. तो अगर मैंने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार को फाइंड करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? इसी 20 फीट को मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ टू कन्वर्ट इन टू इंचेस, और इसको सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार पे डिवाइड करूंगा, जो हमारे पास क्या है? 8 inches है. उसके साथ मैं 1+ करूंगा तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आ जाएगी 31. ओके. नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बार्स है वो 31 है, ठीक है, और जो 1 बार के लिए लेंथ है वो हमारे पास क्या है? 30 फीट है. तो अगर मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए टोटल क्वान्टिटी को निकालना है, सो मैं 31 को मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ ऑफ द 1 बार के साथ, जो हमारे पास क्या है? 30 फीट है. तो मेरे पास जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो स्ट्रेट बार है, उसके लिए क्वांटिटी आ जाएगी. ठीक है. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्ट्रेट बार थी कि हमने किसी तरह बारबेंडिंग शेड्यूल में स्ट्रेट बार को कैलकुलेट करना है. एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बारबेंडिंग शेड्यूल में जो सेकंड नंबर पे बार का शेप होता है वो एंकर बार या हुक बार होता है. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंकर बार है, जिसको हम हुक बार भी कह सकते हैं, जिसकी दरमियान वाली पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी एंकर बार के दोनों साइडों पर हमने 180 डिग्री हुक प्रोवाइड की है.
उसका पर्पज ये होता है टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड होल्ड द कंक्रीट टाइटली। ये स्टूडेंट्स याद रखिए कि एंकर बार हम ज्यादातर स्लैब में प्रोवाइड करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने इस एंकर बार या हुक बार के लिए टोटल लेंथ को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंकर बार है, ठीक है, उसकी ये पोर्शन हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों साइडों पर जो हुक है, ठीक है, उसकी लेंथ हम कितना कंसिडर करते हैं इन अ कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने टोटल लेंथ ऑफ दिस हुक को डिफाइन करना है तो याद रखिए कि ये हुक जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसकी लेंथ यहाँ तक है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि यहाँ से जो लेंथ है यहाँ तक वो हम लेते हैं 4 times ऑफ द डायमीटर। ओके, उसके बाद हमारे पास इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन तक ये लेंथ है डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है। उसके बाद हमने ये लेंथ इसके साथ ऐड करना है जो हमारे पास क्या है, 4 times ऑफ द डायमीटर ऑफ बार है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द हुक आ जाएगी। एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वन साइड का जो हुक है उसके लिए हम 90 लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंकर बार है या हुक बार है उसकी हुक दोनों साइडों पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 18D। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस एंकर बार की जो दोनों साइडों पर हुक है उसके लिए टोटल लेंथ हो गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने टोटल लेंथ को कैलकुलेट करना है फॉर दिस एंकर बार, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी टोटल लेंथ को लूँगा, ठीक है, और इसके साथ मैं इस दोनों हुक को प्लस करूँगा, तो इससे मेरे पास जो टोटल लेंथ फॉर द एंकर बार है वो आ जाएगी, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो एंकर बार है या हुक बार है उसकी एक और शेप भी है जिसको हम 90° हुक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास इसके लिए भी ये स्ट्रेट पोर्शन हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो दोनों साइडों पर हुक है वो हम कितना लेते हैं, 6 times ऑफ द डायमीटर ऑफ बार लेते हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंकर बार है, ठीक है, उसके दोनों साइडों पर हमने 90° हुक प्रोवाइड की है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी वन हुक के लिए टोटल लेंथ क्या होगा, 6 times ऑफ द डायमीटर ऑफ बार होगा। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा सो इससे हमारे पास आ जाएगी टोटल लेंथ फॉर दिस 290° हुक्स। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने टोटल लेंथ फॉर द एंकर बार को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी टोटल क्लियर स्पेन को लूंगा, ठीक है, और उसके साथ मैं इन दो 90° हुक्स को ऐड करूंगा, तो इससे मेरे पास टोटल लेंथ फॉर द एंकर बार आ जाएगी, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बार बेंडिंग शेड्यूल में हमारे पास जो थर्ड नंबर पे शेप है जिसको हम बेंड अप बार या क्रेन बार कहते हैं, ठीक है, इसको हम प्रोवाइड करते हैं टू रेजिस्ट सेगिंग और हॉगिंग इन अ स्लैब इन बीम। ओके, स्टूडियो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बेंड अप बार है जिसको हम क्रैंक बार भी कह सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ इसकी ये पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट है और इसको हमने यहाँ पर बेंड किया हुआ है एट अ 45° एंगल। ओके, स्टूडियो स्टूडेंट, इसको हम क्रैंक बार या बेंड अप बार कहते हैं जो यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा होता है टेंशन को, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर भी रेजिस्ट कर रहा होता है टेंशन को, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो बेंड अप बार है या क्रैंक बार है, अगर इसके लिए हमने टोटल लेंथ को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल क्लियर स्पेन है फॉर दिस बेंड अप बार वो हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास इसी साइड पर और इसी साइड पर जो डेवलपमेंटल लेंथ है उसको हम भी ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ये इंक्लाइन पोर्शन है और ये इंक्लाइन पोर्शन है, ठीक है, उसको भी हम ऐड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास अगर बार बेंड हुआ हो, ठीक है, 45° एंगल पर, तो उसके लिए जो ये इंक्लाइन पोर्शन है वो हम लेते हैं 0.42 times ऑफ एच। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस एच के लिए बाद में आते हैं कि एच हमारे पास क्या है, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने बेंड अप बार के लिए टोटल क्लियर स्पेन लेंथ को ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों साइडों का जो डेवलपमेंटल लेंथ है उसको भी यहाँ पर ऐड किया और उसके साथ हमारे पास जो दो इंक्लाइन लेंथ है उसको भी हमने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसी टोटल बेंड अप बार या क्रेन बार के लिए अगर लेंथ को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो बेंड है वो हम इस टोटल लेंथ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी क्रेन बार में हमारे पास जो 45° की बेंड है वो कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 45° बेंड यहाँ पर है,
एक यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद एक 45 डिग्री बेंड यहाँ पर है और एक 45 डिग्री बेंड यहाँ पर है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल 45 डिग्री के बेंड है वो 4 है, और हम जो 45 डिग्री बेंड है उसको हम कितना लेते हैं, 1 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार लेते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो डायमीटर ऑफ बार हमें पता हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल नंबर ऑफ बेंड्स हमारे पास कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रेन बार होगा, तो इससे हम इसी 45 डिग्री के बेंड है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ हम इसी टोटल लेंथ ऑफ द क्रेन बार से जो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री के बेंड है उसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 90 डिग्री बेंड यहाँ पर है और एक 90 डिग्री बेंड यहाँ पर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 45 डिग्री का बेंड होता है उसको हम 1 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो 90 डिग्री के बेंड होते हैं उसको हम 2 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी टोटल लेंथ ऑफ द क्रेन बार से 2 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास वो क्या है, 90 डिग्री के बेंड है और बेंड हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी फार्मूले में हमारे पास जो एच के लिए वैल्यू है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो एच के लिए वैल्यू है वो इसी बार की सेंटर से इसी बार की सेंटर तक हाइट है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने इस हाइट को फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास टोटल स्लैब थिकनेस मौजूद है, ठीक है, इससे हम इन दोनों साइडों का क्लियर कवर माइनस करेंगे, ठीक है, और हाफ डायमीटर इस वाला साइड का माइनस करेंगे और हाफ डायमीटर आप दिस साइड माइनस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं हाफ बार ये कंसिडर करूँ और हाफ बार ये कंसिडर करूँ और 1 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार को मैं इससे माइनस करूँ, तो इससे मेरे पास इस एच के लिए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन तमाम वैल्यू को इसी टोटल लेंथ की फार्मूले में फुट करूँ तो इससे मेरे पास जो टोटल बेंड ऑफ बार या क्रेन बार की लेंथ है वो आ जाएगी, ठीक है। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपने साथ ये भी नोट करें कि हमारे पास अगर क्रेन बार हो और इसको हम यहाँ पर बेंड करें एट अ 30 डिग्री एंगल, तो उसके लिए हमारे पास जो इंक्लाइन लेन होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अगर हम इसको 45 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास इंक्लाइन लेन ये होगा, ठीक है। अगर हम इसको 60 डिग्री एंगल पे बेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए इंक्लाइन लेन जो है वो हमारे पास ये होगा, ठीक है। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, बार बेंडिंग शेड्यूल में हमारे पास जो 5th नंबर पे बार का शेप है वो इन द टर्म ऑफ स्टिरप है, ठीक है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल में हम एक स्टिरप के लिए इसकी लेंथ किस तरह कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक बीम है, बीम के लिए जो विड्थ है उसको यहाँ पर शो किया गया है और इसके लिए जो हाइट है उसको भी यहाँ पर शो किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसी स्टिरप के लिए टोटल लेंथ को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इसी स्टिरप के लिए विड्थ को लेना है तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसी टोटल विड्थ ऑफ द बीम से 2 टाइम आप क्लियर कवर माइनस करूँ, ठीक है, तो इससे मेरे पास इसी स्टिरप के लिए टोटल विड्थ आ जाएगी। एंड सेम इसी तरह अगर मैंने इसी स्टिरप के लिए टोटल हाइट को लेना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी बीम की टोटल हाइट से 2 टाइम क्लियर कवर को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो इससे मेरे पास इसी स्टिरप के लिए टोटल हाइट आ जाएगी, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि इसी स्टिरप के लिए ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, इसी तरह ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम है, तो मेरे पास जो टोटल लेंथ फॉर द स्टिरप होगी वो क्या होगी, ठीक है, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड करूँगा और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे मेरे पास इसी टोटल स्टिरप के लिए लेंथ आ जाएगी, ठीक है। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी स्टिरप में हमने 2 हुक्स भी प्रोवाइड की है, ठीक है, जो 135 डिग्री हुक्स है, ठीक है, और इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है 10 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी टोटल लेंथ ऑफ द स्टिरप के साथ इन दोनों हुक्स को भी ऐड करेंगे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल लेंथ फॉर द स्टिरप हो गई, लेकिन इसी लेंथ से मैंने कुछ लेंथ को डिडक्ट करना है कि वो हमारे पास क्या है, टोटल बेंड लेंथ है फॉर द 90 डिग्री बेंड, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टिरप में हमारे पास जो टोटल 90 डिग्री के बेंड है वो कितने हैं, 5 है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, और इसके साथ 2 90 डिग्री के बेंड यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिए कि हमारे पास जो 90 डिग्री के बेंड है उसको हम 2 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार लेते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास टोटल 90 डिग्री के बेंड 5 है और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार से, तो इससे मेरे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द स्टिरअप है वो आ जाएगी, ठीक है। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, बार बेंडिंग शेड्यूल में हमारे पास जो लास्ट शेप है जिसको हम ओवरलैप बार कहते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, इसी ओवरलैप बार के लिए हम लेंथ कितना एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे। ये स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास स्टील की ग्रेड पर, एंड आल्सो डिपेंड कर रहा होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम इसी ओवरलैप लेंथ को, अगर ये हमारे पास स्लैब में हो तो इसको हम ओवरलैप करते हैं 50 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। अगर ये हमारे पास बीम में हो तो इसको हम 24 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार से 45 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि अगर हमारे पास बीम में कंप्रेशन जोन हो तो उसके लिए हम 24 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टेंशन जोन हो तो उसके लिए हम ये ओवरलैप लेंथ 45 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार लेते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह अगर हमारे पास ये ओवरलैप बार कॉलम में हो तो उसके लिए हम 24 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार से 40 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ बार तक ले सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप यू विल बी लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज कमेंट ऑन माई चैनल, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यूर आंसर। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।